गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का कुछ प्लान ऐसा है कि आज हम गर्ल्स आउटिंग करने वाले हैं। गर्ल्स डेट कह सकते हो, गर्ल्स मूवी डेट कह सकते हो, कुछ भी। बहुत ही दिनों से हम प्लान कर रहे थे कि हम गर्ल्स जो हम फ्रेंड्स हैं चारों पांचों, कि हम कोई घूमने चलते हैं, कहीं कोई मॉल चलते हैं या कोई मूवी देखने चलते हैं। बट इतने दिन से ना वही होता है, कभी किसी के हस्बैंड के साथ कुछ, कभी बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम, कभी कोई बीमार हो गया, कभी स्कूल। तो बहुत ही दिनों बाद जाके प्लान फाइनल हुआ है कि मूवी चलते हैं, जिसमें हम अपने पति को साथ नहीं ले जाने वाले और अपने बच्चों को भी साथ नहीं ले जा रहे। तो बहुत टाइम बाद मैं ऐसा कोई प्लान कर रही हूँ जिसमें विहान स्पेशली नहीं होगा, वरना ये होना हो, कहीं मुझे जाना हो तो विहान तो मेरे साथ होता ही है। तो फर्स्ट टाइम बनाया है, देखो सबने तो कितना सक्सेसफुल होता है ये। आई होप हो जाएगा। तो आज विहान का ध्यान रखने वाले हैं उसके पापा। मैंने उसके लिए उनकी तैयार उनके पीछे के लिए पूरी तैयारी कर दी, मतलब उनका ब्रेकफास्ट बना दिया। विहान स्कूल जा चुका है, इन दोनों का आके खाने के लिए लंच भी रेडी करके रख दिया है। और बस अब हम मुझे तैयार होकर निकलना है। मेरे साथ जा रही है हमारी फ्रेंड्स गुंजन, मेघा और रानो। एक और फ्रेंड है हमारी मितिका, बट वो अभी थोड़ा फैमिली फंक्शन में बिजी है तो उसका प्लान नहीं बन पाया। बट हम चारों इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज मूवी देखेंगे, लंच करेंगे और मस्ती करेंगे। तो वो सब आप देखिएगा। और बस अब मैं जा रही हूँ फटाफट रेडी होने। रेडी होके मुझे निकलना है टाइम से। बाय। हेलो गर्ल्स, हाय, हेलो। आज हम जा रहे हैं मूवी। प्यारा बच्चा लग रहा है। हम पहुंच गए हैं एरिया मॉल, कैब से उतर गए हम और लेट भी हो गए हैं। गर्ल्स इधर देखो, मेरे हस्बैंड का है आज गर्ल्स मूवी डेट होने वाली है। आज हमारी मूवी डेट है। वैसे हमारी मूवी का नाम क्या है? हमारी मूवी का नाम है मिशन रानीगंज। मिशन रानीगंज देखने आए हम चारों। देखा आज कैसा लग रहा है? बहुत। बच्चे नहीं, पति नहीं, आजाद पंछी। बहुत टाइम बाद ऐसी कोई आउटिंग है। है भाई आजाद पंछियों, ओए आजाद पंछियों। आज वापस गर्ल्स वाली फीलिंग आ रही है हम लोगों को, कॉलेज वाली। हाँ, पंछियों के बिना, पतियों के बिना, मैं कहती हूँ आजाद पंछी। जी मैं कौन सी करूँ मैम? ये 4567 4567 स्टार्टिंग करूँ। आज हम मिशन रानीगंज देखने आए हैं। पहली बार इतने टाइम बाद हमारा एक प्रोग्राम बन पाया है। आज हम गर्ल्स बन के आए, विमेंस बन के नहीं आए हैं। उन्होंने 40 फुट के स्टाफ को दो अन्य स्टाफों से जोड़ दिया, जिससे खजानों में बेहतर हवामान और जल निकास बना रहा। सारी सीट खाली, बस पार्टी की सीट थी। बस हमें बर्थडे पार्टी में पूरा हॉल भर रहा है, फुल हॉल हमारा आज मूवी के लिए। शादी की लेके जाना है, डिसाइड कीता है तुसी? दसो जी। डिनर सर? गुप्ता जी भी वही दे। कल सवेरे 10 बजे रेखा बिटिया के ब्याह के लिए बस रवाना होगी। सभी लोग टाइम पे पहुंच के बस में अपनी अपनी सीटें रबक लें। दूसरा कौन? तपन घोष। वो एक सर्वेयर जी, वो हमारी हेल्प करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ये भी है तो करेगा। हम तुम्हारा सब है नहीं, बस हम कार्ड पे तो बहुत ध्यान रख रहा हूं। ये बात करते सुनो भाई लोग, कंग्रेचुलेशंस मिस्टर गिल, शी इज प्रेग्नेंट। ख्याल रखिएगा निर्दोष का।
हम पिक्चर देख के मूवी देख के हम बाहर आ चुके हैं। बहुत अच्छी मूवी थी। एवरीबॉडी शुड वॉच दिस मूवी। 10 on 10 इमोशनल मूवी, रियलिस्टिक मूवी, इमोशनल मूवी, सबको देखनी चाहिए। सबको देखनी चाहिए। सो गाइज मूवी ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद हम आए हैं ज़ोका कैफ़े पे, मॉल में ही है और यहाँ पे हम जा रहे हैं लंच करने। सो हम लंच करने वाले हैं ज़ोका कैफ़े पे। फर्स्ट ऑर्डर आ गया है नूडल्स। सॉरी मैंने सर्व करना भी स्टार्ट किया। नहीं नहीं कोई बात नहीं। हमारी सेकेंड डिश हम सब फिनिश कर चुके हैं और पेट भर गया है बहुत ज्यादा। सब रिलैक्स हो गए। सबको बता देना। लंच हम कर चुके हैं, अब हम आए हैं सॉफ्टी खाने, लास्ट चीज़। उसके बाद हम करेंगे कैब बुक और जाएंगे घर फटाफट। विहान बहुत देर से वेट कर रहा है। सो लास्ट ट्रीट हमारी। चीयर्स गर्ल्स। चीयर्स। चीयर्स। कैसी रही आज की हमारी पार्टी? बहुत ऑसम। आगे भी कंटिन्यू करते हैं। सो हम सोसाइटी में पहुंच चुके हैं, कैब से उतर गए, वो तीनों वहीं खड़ी हुई हैं। गुंजन बाय। तो मैं जा रही हूँ अपने घर, विहान को भी देखती हूँ। यार सो रहा है वैसे तो, ये बोल रहे थे बहुत देर से सो रहा है। हेलो गाइस, मैं घर आ गई हूँ और मैं विहान के लिए लाई थी बर्गर। विहान ने खाया? मैं थोड़ा सा खाऊ 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 खाऊ। विहान मुझे ढूंढ रहा था कि मैं कहाँ हूँ कहाँ हूँ कहाँ हूँ। पापा ने खाना भी खिला दिया। विहान ने मुझे मिस किया? यस, याद आई थी। एक मिनट रुको रुको रुको। हाँ विहान ने मुझे मिस किया? कैसे मिस किया? मम्मा की बहुत याद आ रही थी। कितना मिस किया? इतना मिस किया। मैं विहान के लिए क्या आई थी? बर्गर। मैं विहान के लिए बर्गर लेके आई थी। विहान ने खाया? कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा, मिर्ची लगी थी थोड़ी। थोड़ी सी मिर्ची लगी इसको। मैंने भी विहान को मिस किया। सो मैं विहान के लिए तो बर्गर किंग से लेके आई थी बर्गर। मैं सरांश के लिए भी लेके आई हूँ, ऐसा नहीं है मैं सिर्फ व्यू के लिए लाई हूँ। मैं इनके लिए पनीर रोल लाई हूँ, सॉरी पनीर रैप। इनको भी बस अब चाय के साथ देने लगी हूँ। विहान ने तो खा लिया, इनको चाय बना रही हूँ उसके साथ दूँगी। चाय बन रही है मेरे यहाँ पे। हेलो गाइस, रात के 10 बज चुके हैं और उसके बाद मैं कुछ शूट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारा काम था घर का जो पेंडिंग था, जैसे मशीन लगाई, उसके बाद कपड़े फैलाना और विहान के कल स्कूल की तैयारी करना, उसको होमवर्क कराया फटाफट। बस खाना किसी ने कुछ ऐसा खाया नहीं, थोड़ा बहुत विहान ने खाया है। लेकिन इस टाइम मेरे हस्बैंड को कुछ ना क्रेविंग सी हो रही खाने की क्योंकि इनकी शिफ्ट चल रही है, भूख लग रही है। तो मुझे कह रहे हैं अभी पॉपकॉर्न बना दो, क्योंकि मैंने बताया था ना पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक वगैरह खा के है। तो मेरे पास एक पैकेट रखा है, मैं बस इनके लिए पॉपकॉर्न बना रही हूँ और इसके बाद विहान को सुलाऊंगी क्योंकि फिर वो सुबह उठता नहीं है। सो हमारा आज का गर्ल्स आउटिंग तो बहुत अच्छी रही, सुपर सक्सेसफुल रही, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। बस इसी के साथ मैं करती हूँ ये व्लॉग को एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, अपना सब ध्यान रखिएगा।